हेलो फ्रेंड्स, आम आज स्टार्ट करवा दशम श्रेणी तुम मानकर प्रथम अध्याय को जीवा आगर आज आम आरंभ करूँ तुम मानकर पाठ्यक्रम जोटा कि आम पाठ पढ़ापी आमको निहाती भाव में साय कर दशम श्रेणी आम कौन कौन पढ़व कहीं पढ़व से विषय सविशेष आम आज आरंभ करवा तेणु आरंभ करने पूर्व दशम श्रेणी विज्ञान आरंभ करने पूर्व मु समस्त मो निजर परिचय देवाई चाहिए मुझे डॉक्टर मृत्युंजय महाराणा आ तुम मानकर दशम श्रेणीर भौतिक विज्ञान सबू जाक नौटे जाक विषय को मु पढ़ेबी तेणु आज आम आरंभ करूँ ओनली विषय सूची बाजे पाठ्यक्रम अच्छी कहीं जिनस गुड़ी अच्छी दशम श्रेणी में तार उपादेयता कौन यही सब विषय में आम पुंगानुपुंख भाव में आलोचना करवा या विज्ञान विषय सम्यक धारणा देवी आम सोमवार शुक्रवार पर्यंत सबुदिन आम लाइव क्लासेस आसबू आपण मानकर जहाँ भी डाउट्स थी जो भी क्वेश्चन पचार रिलेटेड टू जो सब्जेक्ट मुझे पढ़ाऊ से सब्जेक्ट विषय में आम निश्चित भाव में कथा तेणु जो मैंने आसीगले लाइव जो मैंने मुझे बहुत समय अपेक्षा करी कि पिला आसी नथिले जो मैंने सपोज लाइव आसीगले मो सहित चैट करें जो मैंने आसी हेले से थम्स अप दे पारती एप्लीकेशन थ्रो हो ना आम यूट्यूब चैनल जाइक हो थम्स अप दे पारे जो मैंने लाइव आसीगले आम सहित कथापी विषय विशेष जानापी ओके आम प्रथम विषय आरंभ करने पूर्व दशम श्रेणी विज्ञान उपादेयता विषय पढ़ा विज्ञान आम कहीं पढ़ा विज्ञान बेसिकली आम उपादेयता कौन अच्छी कहीं विज्ञान पढ़ा निहाती दरकार अच्छा आमर दशम श्रेणी परीक्षा पर दशम श्रेणी परीक्षा पर समस्ते प्रायत डिसाइड करते आम कौन कौन करूँ मो पाखे अच्छी मोबाइल तुम मानक कमेंट्स मुझे पढ़ीपरि जहाँ भी कमेंट्स आसो तुम मानक सब निश्चित भाव में देखी तेणु तुम मानक कह जल्दी जल्दी जॉइन कर मुझे लेट कल ये आज किसी पिला जॉइन करार समस्ते जॉइन कर जाऊँ आम बहुत सुंदर भाव में आज सब विषय गुड़ार पुंगानुपुंख भाव में आम आलोचना करवा लाइव क्लासेस थ्रो रे आ सबुदिन आम क्लासेसटा चलो सोमवार टू शुक्रवार जाए ये टाइम रे 5:30 भितर चलो जो मैंने जॉइन करेंगे से मैंने निश्चित भाव में देखिपर है तेणु कौन से प्रकार लेट न कर जॉइन कर हाँ ओके ओके अच्छा हाँ 10 जन पाखापाखि पिला जॉइन कले ऑलरेडी आहरी पिले जॉइन करार अच्छे तो जॉइन कर जाऊँ धीरे धीरे समस्ते ओके विज्ञान आम कहीं पढ़ा विज्ञान उपादेयता कौन कहीं विज्ञान पढ़ा निहाती दरकार ये विषय आम ए आलोचना कर तेणु आम पाखे जहाँ भी घटे आम आखपाखे जो भी जिनस आम देखू बा जहाँ भी जिनस आम पाखापाखे घटे तार मूल कारण कौन तार मूल कारण है विज्ञान विज्ञान सब जिनसर उत्तर दिए केमिका मनेकर साधारण गोटे दिन सका उठिके आम कहीं मुह धोबू मुह धोई सारापर आमको टे फ्रेश लगे ना हाँ कि नहीं तेणु जो मूँ फ्रेश लगे ना से थम्स अप देखेल जो मूँ फ्रेश लगे ना सका उठे मुह धोला कौ मान फ्रेश लगे ना समस्त प्राय फ्रेश लगुव नहीं कि कहीं आम फ्रेश आमको फ्रेश लगे कहीं आम मुहर थी जी सारा मईला पा द्वारा धोई जाए कि राति सारा भितर मानने देहर बाहर सूर्य ग्रंथि बाहर था बहुत सारा झाल हो मईला हो बर्ज्यवस्तु यह सब मुहर पापर फ्रेश हो जाए से आम कौन करूँ सका उठे मुह दे आम फ्रेश लगे ओके तापर आम कहें एक्सरसाइज कहीं करूँ हाँ ता भर भी किसी विज्ञान अच्छे सब सबुद तुम मैंने सका उठे एक्सरसाइज करुच ना ना यहाँ निहाती कर आम निजी को फिट रखापी आम दौड़ा दरकार कहीं बॉडी बहुत सारा मटेरियल्स रु गठित मटेरियल्स ना ऑर्गेनिक मटेरियल्स रु गठित तेनाली प्रॉपर्ली सबुदिन आम फंक्शन न करवा डेली डेली जब आम सहित जब प्रॉपर वे रे से जिनसे न चलो तो आमको रोग माड़ बस आम खाली खाई बस खाली खाई शोबू खाली 24 घंटा पढ़ू तो बाकी खराब हे तेना सब 24 घंटा पढ़ा भी दरकार नहीं 24 घंटा मानने खाइबा भी दरकार नहीं 24 घंटा शोवा भी दरकार नहीं तेना तुम मैंने कौन कर जो टाइम जो जिनस कर दरकार से निश्चित भाव में तुम मैंने कर ओके तेणु विज्ञान आमर ये गोटे प्रथम झीटा को देख ली कौन गोटे क्वेश्चन तुम क्लास गोटे झीटे कौन क्वेश्चन पचार देखिए क्वेश्चन पचार सका राति देख ला बल्बटे जलुच स्ट्रीट लाइटे जलुच गाँव को प्रथम थर कहीं करेन्ट जा देख ला प्रथम थर इलेक्ट्रिक बल्बटे जलुच मन में प्रश्न उंकी मारा
ଯେ ଏଇ ବଲ୍ବଟାର ଜଳୁଛି ପୁଣି ଆଲୁଅ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି, ଜଳିଲା ଯୋଗୁଁ ଆଲୁ କେଉଁଠି ଆସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ଯେହେତୁ ପଢ଼ିଲା, ତାପରେ ତା ପାଖକୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା। କ'ଣ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ତାକୁ? ଯେ ବି ଯେଉଁ ବଲ୍ଟି ଜଳୁଛି ତା'ର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ। ବିଦ୍ୟୁତ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରବାହିତ ହେତୁ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ଜଳି ଉଠିଛି, ଯେଉଁ ବଳରେ କି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତଟା ପ୍ରଭାବ ହୋଇକି ଆଲୋକିତ କରିଛି, ବଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ଜାଗାକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛି। ତେଣୁ ତୃତୀୟରେ ସେ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି। ଖୁସି ହୋଇକି କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଗଲି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରିବ, ଯେମିତିକା ଯେଉଁ ଆମର ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବ ଟେପ୍ରେ ଆମେ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ପାଣି କାହିଁକି ବାହାରେ, ଟେପ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରିଜର୍ଭ ହୋଇକି ରହୁଛି, ସେଠି କାହିଁକି ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଜାଗାରେ ଉତ୍ତେ ଉପରେ କାହିଁକି ଆମେ ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖୁଛୁ? ଗାଁରେ ଗାଁରେ ବି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଲାଗିଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଉପରେ ଜାଗାରେ ପାଣି ରଖୁଛୁ? ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଳରେ ଟେପ୍ କାହିଁକି ବାହାର କରୁଛୁ? ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ପାଣିର ଗୁଣ କ'ଣ? ପାଣିର ଗୁଣ ହେଉଛି ଉପରୁ ତଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, କାହିଁକି ନାହିଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ତୁମ ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଯେତେ ସାରା ଜିନିଷ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖୁଛ ଡେଲି ଡେଲି, ସେ ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିନ୍ନ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ରୋଗ ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଭଲ କରୁଅଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ତୁମେ ଗାଡ଼ି ମୋଟରରେ ଯାଉଛ, ତା ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଛି। ତୁମେ ଆଜିକାଲି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛ, କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍କୁ ବି ଆମେ କେତିକି ସାଇଜ୍ରେ ହେବ, ତାକୁ ବ୍ୟାଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ବି ବିଜ୍ଞାନ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ବଲ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ତା ପାଇଁ ବି ବିଜ୍ଞାନ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆସିଛି ତା'ର ବି ବିଜ୍ଞାନ ଦାନ। ମୁଁ ଯେଉଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ବି କରିପାରୁଛି, କଥା ବି ହୋଇପାରୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଦାନ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିଛି, ସେମାନେ ମୋତେ ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଦେଇଦିଅ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯାଇକି ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଦେଇଦିଅ କମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱସୂଚୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଶ୍ୱସୂଚୀ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ପାଣି ପିଉ ନା? ସେମିତି ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଉଛି, ସେଇଟା କାହିଁକି ହେଉଛି, କାହିଁକିର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯିବ, ବିଜ୍ଞାନ ତା'ର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଦେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତିକା ଅଛି ବିଜ୍ଞାନ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେମିତିକା ମୋତେ କାହିଁକି ଅଳସ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ତା'ର ଉତ୍ତର କାହିଁ ଦେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦରକାର। ମୋଟିଭେସନ୍ ମାନେ ପାଠ ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା? ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଖାଲି ଯେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ ବା ବହୁତ କଥା ଜାଣିବ ସେ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ପାଠ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ବହୁତ କଥାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିକି ପାଇପାରିବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବେନି ଯେ ଏଇଟା ନୁହେଁ ସେଇଟା, ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିପାରୁନଥିବ ତୁମେମାନେ, ସେମିତି କେନ? ପାଠ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରିବ, ବହୁତ କଥାର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା କ'ଣ? ଶୋଷ ପାଇଁ ପାଣି ଯେମିତି, ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମିତି, ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଆମର କ'ଣ ଅଛି? କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନ୍ସ। ମୁଁ ସବୁଯାକ ଚାପ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ, ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ କହନ୍ତି କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ୍। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ସମୀକରଣ। ଆଚ୍ଛା, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ସମୀକରଣ ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବୁ? କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ଜେନେରାଲି ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକତା ବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେବ, ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, ୟା କଳାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, ୟା ଫେର୍ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଭଲ ହେଉଥିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଭଲ ହେଉଥିବ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ନେବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କରିଦେବି, ଯେମିତିକା ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ସବୁଦିନ ଆମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥ୍ରୋରେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବ, ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରିପାରିବ, ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରିପାରିବ, ମୁଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଥିବି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆରମ୍ଭ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପାଠକୁ ଯିବା, ଯେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଆମ ଜୀବନର ଉପାଦାୟତା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ତୁମେମାନେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇଥିବ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇଥିବ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ବେଳେବେଳେ ଆମ୍ବ ଚକୋଲେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଖାଇଥିବ ଏବେ ବି ଖାଉଥିବ, ଆମ୍ବ ଚକୋଲେଟ୍ 50 ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ନେଉଥିଲା ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଚକୋଲେଟ୍, ଆମ୍ବ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ ଦେଖିବ ତୁମ ଜିଭ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯିବ, କାହିଁକି ହଳଦିଆ ପଡ଼େ? ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ,
कलर आंब जो कलर से कलर को लेकिन तर गोटे केमिकल स्प्रे कराए जोटा कि तुम जीभरे से कलर टा लाखी जाए कि चकलेट जो शुखिला अवस्था था चकलेटा से कलर डिस्चार्ज हुए ना कलर बाहर ना कि जितेबाला तुम पटे पा सुधा आसला कलर टा चेंज हो जाए हाँ कि नहीं तेणु विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया हेतु आमर बहुत प्रकार जिनस तैयारी हो बहुत प्रकार जिनस नष्ट जमी लुहा खंडटा को लुहा घर तैयारी आमर लुहा रड आसे देखिए किसी दिन जब बाहर रहा भितर कलंकी लग जा हाँ कि नहीं कहीं कलंकी लगुच ना तार केमिकल चेंजेस हो रासायनिक प्रतिक्रिया क्या सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कर रासायनिक प्रतिक्रिया करमर वायु सहित आयुरे जलकणा सहित तेणु आयरन जदि वायु मान जो लुहा रो केमिकल फर्म रासायनिक मानने सिंबल हूँ तुम एफी जदि आयरन सहित वायु बा जलर संस्पर्श से आसला तो आयरन ऑक्साइड हो सर कह ऑक्साइड कमी होगा ओ कहीं आसीगला कारण वायु आम कौन अच्छी अम्लजान अच्छी तार रिएक्शन थ्रो से आयरन ऑक्साइड है आयरन ऑक्साइड हूँ नथिंग बट से आम कलंकी किंतु किसी देखी थोड़ा स्टेनलेस स्टील जमीका ब्लेड होगा स्टील चामच होगा थाली होगा तुम पचार पार सर यहाँ तो आम एत दिन पकईक रखुचु बाहर सब वाले तो बासन कुसन डेली आम धोचु कहीं से होनी कारण तामी केमिकाल गोटे कोटिंग दि जाए केमिकाल तर गोटे स्प्रे करमीका मॉइश्चर को मॉइश्चर मान है जलकणा को वायु वायु संस्पर्श आसिले तार किसी हेना अच्छा तापर तुम मैंने मत पचार जे रासायनिक समीकरण कौन अच्छा मुझे बर्तमान गोटे साधारण उदाहरण देना जे एफी आयरन जदि वायु और जलकणा सहित आसला तो आयरन ऑक्साइड बरण होमती कहली कारण बामपटे मुझे रखिली आयरन ता सहित जोड़ी कौन जल एच टू ता सहित जोड़ी एयर ऑक्सीजन हाँ कि नहीं ऑक्सीजन को जोड़ी तापर मु डाण पटे पाइली कौन एफियो आयरन ऑक्साइड तेणु ये कथा कौन हो जे कौन सी प्रकार चेंजेस जो हो वैज्ञानिक मान मुंड कौन आसला अरे चेंजेस जो हो तार मूल भित्ति कौन से मूल भित्तिटा को दर्शाई से गोटे समीकरण तैयारी कले जो समीकरणटार ये समीकरण दोष हूँ रासायनिक समीकरण मैं बहुत सारा रासायनिक समीकरण अच्छी जोटा कि आम ये विषय मध्यम पढ़ा तेना आज व्यस्त होगा दरकार नहीं आज सब्जेक्ट गुटा जाणी जाओ तुम्हें कहीं दरकार तब जाणी जाओ तेना या तुम दशम श्रेणी पर आसो तुम दुटा जिनस आस फिजिक्स आसो केमिस्ट्री आसो केमिस्ट्री प्रथम जिनस तुम मैंने पढ़व रासायनिक समीकरण फास्ट एलिमेंट्स पढ़ापर समीकरण विषय में पढ़ तेना धीरे 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 तुम मूँ सब सहित एक्वेंटेड करदेवि आज जो मैंने भावुचे पढ़ी तुम मन रोना तेणु पढ़ी मन रही मुझे तुमको बुझे कि तुम मन को मन रखी पारि तुमने बुझ निश्चित भाव मन रु आम प्रथम अध्याय आरंभ हम तुम मैंने मे बी ट्यूशन हो स्कूल हो पढ़ी थी कि आम आउ थे ब्रशअप करवा क्लीयर कट भलसे पढ़ा मजा करके पढ़ा प्लस आम एग्जाम दबा मुझ तुम मानक पाठ शेष गोटे गोटे टेस्ट करेबी दसटा क्वेश्चन देगी टेस्ट करेबी तुम मैंने तार एनसर दब आम देखा किए के मार्क रखुच्छे किए के अटेटिवली क्लास करके रेडी नेक्स्ट आम जा द्वितीय अध्याय अम्ल क्षार और लवण है अच्छा तुम पचार ये सब्जेक्टर इंपोर्टेंस कौन एथर गुरुत्व कौन अच्छी अम्ल क्षार लवण आम कहीं पढ़ा अच्छा किसी जिनस आमको खटा लगे हाँ कि नहीं किसी जिनस आमको खटा लगे ना आ किसी जिनस लुणिया लगे हाँ कि नहीं अच्छा आम लेंबू खाऊ कौ जिन खटा लगे मुझे कहली लेंबू आउ कौ जिन खटा लगे मेसेज बक्स टाइप करके मत कौ जिन खटा लगे यूट्यूब्रे जाए सांगे सांगे लिखी दिव कौ जिन खटा लगे आंब आमको कंचा आंब आमको खटा लगे आंबूल आमको खटा लगे हाँ कि नहीं एमती बहुत सारा जिनस अच्छी खटा जितिय जिनस आमको बरकोली कंचा बेले आमको खटा लगे कौ मैंने सब बरकोली खाई समस्त खाई ना कि ओके बरकोली खाइले भी आमको मान खटा लगे क्षार क्षार हूँ आम सोडा सोडा जितिय द्रव्य कहते क्षार से खटा लगे ना लुणिया लगे सेटा हूँ क्षार जितिय जिनस कि खारुआ खार लगे ओडिया कहते खारुआ पा क्षारक खाइबा सोडा हो गला सोडा जितिय जिनस क्षार कहते हैं कि नहीं तेणु क्षार कौन अच्छी मुझ मानक गोटे टास्क दूसरी लेख कौ मैंने जो मैंने सब आज अटेंड कर मत नेक्स्ट क्लास में मैंने काली कहे क्षार रदाहरण सब मत कह गोटे उदाहरण कहली बाकी तुम मैंने मत उदाहरण दब अच्छा लवण लवण आम रोच खाइबा खाइबा लुण टेबल सल्ट जोटा आम यूज करी डेली आम खाला बेल भात लुण पकई खाऊ
ତରକାରୀରେ ଲୁଣ ନ ପକାଇଲେ ଅଲଣା ଲାଗୁଛ। ତୁମେ ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସପୋଜ କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ସପୋଜ ଖଟା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ଠିକ୍ ପଡ଼ିନି, କ'ଣ ମମି କ'ଣ ବୋଉ କ'ଣ ମା ଏମିତି ଖଟା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୁଣ ପଡ଼ିନି, ଅଲଣା କରିଦେଇଛ ତରକାରୀରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆମ ଲୁଣର ଉପାଦାୟତା ଅଛି। ଆମେ ଏଇଟା ସିନା ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। କେଉଁ ଜିନିଷଟି ଖଟା, କେଉଁ ଜିନିଷଟା କ୍ଷାର, ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଲୁଣିଆ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟୁଏଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ନେଇକି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଚାପ୍ଟର୍ ଅଛି ଯେ ଏଇ ସଲ୍ଟଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଏପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ, ଜିପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ କେମିକାଲ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡଟାକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ। କେମିକାଲ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବୋଇଲେ ମନେକର ତୁମେ ଭାବ ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଟନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କେମିକାଲ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ଟା ଦରକାର। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଯଦି ଅମ୍ଳ ଲାଗୁଥିବ ଦେଖିବା, କିଛି ଯଦି କ୍ଷାର ଲାଗୁଥିବ ଦେଖିବା, ୟା ଫେର୍ କିଛି ଯଦି ଲୁଣ ଲାଗୁଥିବ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ନ ଲାଗି ବି ପାରେ। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ମଜା ନେବା, ଶିଖିବା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ କେମିତିକା ସେ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଲା ଆମର ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ପଚାରୁଥିବ ଯେ କାହିଁକି ସାର୍ ଆମେ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ହଁ, ଧାତୁ ଅଧାତୁ ପଢ଼ିବାର ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତିକା ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାର ଯାଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେ ତାରଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଟା ପ୍ରବାହ କରୁଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମନେକର ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ଲି କେତେବେଳେ ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯାଏ ଆମକୁ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆମ ଦେହକୁ ଝଟକା ଲାଗେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ। ତେଣୁ ଯେତିକି ପ୍ରକାରର ମେଟାଲ୍ସ ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରକାରର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରୁଛୁ, ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ମାନେ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କେଉଁ ଅନୁସାରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ ହିସାବରେ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ ହିସାବରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା ଆମେ ମେଟାଲ୍ ଧାତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୁପରିବାହୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ସେମାନେ ପରିବହନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ଅଧାତୁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ। ଯେମିତିକା କାଠ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତୁଳା, ହଁ କି ନାହିଁ? କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼, ପେପର, ଏମାନେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ କରିପାରିବେ? କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ। ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ, କେଉଁଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁନି, କେଉଁଟାରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଧାତୁ ଅଧାତୁ। ତେଣୁ କେଉଁଟା ଆମେ ମେଟାଲିକ୍ ଲଷ୍ଚର ଯେମିତି ସୁନା ରୂପା ତମ୍ବା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚକ୍ଚକ୍ କରେ, କାଠ ଚକ୍ଚକ୍ କରେ ନା, କାଠ ଚକ୍ଚକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ପଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ଅଧାତୁ ସେଇଟା ଚକ୍ଚକ୍ କରିବନି। ତା'ର ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମକୁ ବିବରଣୀ ଦେବି, ୟାର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ତା'ର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, କେତେ ମାର୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ ତୁମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ। ଏଥର ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କରୋନା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବା ପାଇଁ, ତୁମ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅ ୟା ଫେର୍ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୁଅ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏଥର ପଡ଼ିବ, କାରଣ କରୋନା କମିଲାଣି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାନିଟାଇଜର ଲଗାଇବା, ହାତରେ କରୋନାକୁ ଭଗାଇବା, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ପାସ୍ କରିବା, ପାଠ ଜାଣିକି ପାସ୍ କରିବା, ଏମିତି ପାସ୍ କରି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଓକେ? ତେଣୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଆସିଲା କାର୍ବନ, ଏହାର ଯୌଗିକ। ପଚାରିବ ସାର୍ କାର୍ବନ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ, କାର୍ବନ କ'ଣ, କାର୍ବନର ଯୌଗିକ କ'ଣ? ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୁମର କାର୍ବନ ଅଙ୍ଗାରକଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହୀରା। ଦେଖ ସାର୍, ହୀରା କ'ଣ ସତରେ କାର୍ବନ? ୟେସ୍, ହୀରା ହେଉଛି କାର୍ବନ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାର୍ବନର ପ୍ୟୁରେଷ୍ଟ ଫର୍ମ। ବହୁତ ଦିନ ତ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ କୋଇଲା ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇକି ରହିଥାଏ, ତା'ର କେମିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଲେ, କେମିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲୁ, ହେଇ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ପରିଣତ ହେବ ଆଉ ଆମର ଡାଇମଣ୍ଡରେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଭାରତରେ କେଉଁଠି ହୀରା ଖଣି ଅଛି ମୋତେ କହିବ, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହୀରା କେଉଁ ଦେଶର ଅଛି, ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହୀରା ଖଣି କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି? ହୀରା ତୁମେ ଏମିତି କହିପାରିବ, ହୀରା କେଉଁ ଦେଶରେ ମିଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ, ଏମିତି ବି ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମମାନଙ୍କର, ଭୁଲିବନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରି। ଆଚ୍ଛା, କାର୍ବନ କ'ଣ? ଅଙ୍ଗରା, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଠ ଚୁଲି ଅଛି, କାଠ ଜଳେଇଲା ପରେ
सकाल उठी सपोज मम्मी चा बनैले काठ जाळिकी जेतळ बाहरी पड़ला चा बनिगला तापर ता भितर कोन रहला पाउंस पाउंस इज नथिंग बट कार्बन हाँ कि नहीं आमर सर कौन यही कार्बन रु हीरा बनी जाऊँ ना जितेबाला हीरा बनुची से लक्ष लक्ष वर्ष हजार हजार वर्ष तले आमर जो विभिन्न प्रकार सब जिनसपत्र मानने जो पृथ्वीर परिवर्तन हेतु विभिन्न जिन मटी तेल चापी रही है धीरे 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 से परिणत से अंगार परिणत हो कार्बन रो बहुत सारा उदाहरण अच्छे जो भी जिनस तुम्हें धरव जी जिनस तुम्हें धरव आपको ओडिया कहते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाँ कि नहीं कार्बोनेट कंपाउंड भी आम एथे पढ़ा और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी तुम हायर क्लासेस पढ़ किसी जिनस पढ़ा यार जौगिक विषय में आम आलोचना कर जो भी जिनस भी तुम जल दि से तुमको दब कौन कार्बन हाँ कि नहीं अच्छा बुझीपार तो ओके ठीक अच्छे पंचम अध्याय कौन आम मौलिक गुड़िकर पर्यायकरण बा पर्याय सारिणी है पर्याय सारीकरण अच्छा आम पर्याय सारिणी कहीं पढ़ा कारण तुम मानक मुझे गोटे सर्टकट बहुत सर्टकट फर्मुला देवी तुम तीसटा पर्यंत जो आम पर्याय श्रेणी जो तीसटा पर्यंत अच्छा मौलिक तुम आराम से चुटकी मन रख गोटे छोटिया फर्मुला देवी हाँ कि नहीं छोटिया फर्मुलाटा देवी यहाँ जिनस रोटी पड़े परीक्षा में हाथ गणे पड़े तुम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन है मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकन एमती मन रखा पड़े तुमको गोटे छोटिया फर्मुलाटा देवी सर्ट फर्मुला देवी हटात किना तुम से जिनस को सब मन रख अच्छा आम यू पढ़व कहीं आम पढ़ा तार कारण हूँ जे पर्याय श्रेणी जो जिनस गुड़ा अच्छी जो मैटर गुड़ा अच्छी जो मैटर गुड़ा अच्छी तार परमाणिक संकेत द्वारा से डिवाइड कर मनकर जनक ना हूँ राहुल हाँ कि नहीं आउ जनक ना हूँ रोहित आउ जनक ना हूँ स्निग्धा हाँ कि नहीं तो एमने समस्ते भिन्न समस्त प्रॉपर्टी भिन्न किए पुओ पिला किए झी पिला हाँ कि नहीं कह लंबा जुटी कह छोट जुटी किए गोरा कि कालिया सेमितिका आमर जो मौलिक मैंने अच्छा आम पृथ्वी जितक प्रकार मौलिक वैज्ञानिक मैंने उद्भावन कर सब मान चिन्हपी आम सब सिंबल दे दीजु मनकर हरी एच फर हरी सिंबल दे दिली किंतु एच फर हरभजन होनी दुटा सम्मान तेना एच बी करदेली सीटा मुदेली एच हरभजन सेमितिका हाइड्रोजन हो गला हिलियम हाँ सरी हाइड्रोजन सरी हाइड्रोजन संकेत हूँ एच किंतु हीलियम संकेत एच हो पार से दुटा सेंटे दुटा मानने लेटर को नहीं करदे एच ई हीलियम हाँ कि नहीं सेम लिथियम संकेत एल आई एम सब संकेत गुड़ा थ्रो बुझीपरि ता सहित से मानकर जो मानने वस्तुत्व के हाँ कि नहीं विभिन्न प्रकार प्रॉपर्टीज विभिन्न प्रकार से मैंने कौन कौन काम करने उपयोगी हो पारे आमपाई हाँ कि कहना हाइड्रोजन जो कम कर हिलियम से कम करें तो डिफरेंट डिफरेंट लोक डिफरेंट डिफरेंट कम जमी आम आखपाखे होता है से मौलिक मान डिफरेंट डिफरेंट जो मौलिक आम मैंने आविष्कार करें वैज्ञानिक मैंने आविष्कार करें डिफरेंट डिफरेंट कम अनुसार सब सजाई आम सब भलसे पढ़ा और तुम बिलकुल ओरिड होबन ये आम पढ़ेबी मुझे आराम से सुंदर भाव में मन रखिपर आते गणिया दरकार पड़े सीधा है ओके तापर षष्ठ अध्याय आसा आलोक प्रतिफलन प्रतिसरण अच्छा मतलब कहले गोटे छोट इमेजटे मुझे ये नहीं कि गोटे छोट इमेजटे अच्छा मत गोटे खाली छोट एनसरटे देव आम अंधारे कहीं देखिपुना आम तो दिन देखिपर लाइट पक देखिपर अंधारे कहीं देखिपुना किए कहीपर जे आम अंधारे आम कहीं देखिपुना किए कहीपर ओके किए कहीपर हाथ टेक जस्ट गिव मी थम्स अफ कि हाँ कहीपर ओके ओके आम कौन जिनस को देखापी आम आखिर गोटे रश्मि अच्छे हाँ कि नहीं आम आखि रिसीव कर रश्मि रखी तेणु जदि आलोक कौन जिनस पड़ा आतीफलन जब आम पाखे पड़ा तो आम जिनस देखिपर तेणु अंधारे आम टर्च पकईकी जाऊ टर्च मन कर अंधारे जाऊ जाऊ आम रास्ता आमको देखा जाऊ आम कौन अंधारे गोटे रास्ता पर टर्च पकेल टर्च लाइट गला रास्त पड़ा सीटा रिफ्लेक्शन होम आखि को आसब जाकि आम आखि ताकू देखिपर ना कौन से जिनस को तुम देखिपर ना
हाँ कि नहीं तेणु हर रिफ्लेक्शन प्रतिफलन मनकर के देख जिते संध्या बेले तुम टॉर्च नहीं कि बाड़ी आड़े जाइ जब पानी उपरे लाइट पकेल तो पानी उपरे जो टॉर्च पकेल देख जो एंगेल तुम पानी उपरे आलुओ पकेब से ही एंगेल पानी उपर आलुटा को उपर आड़क जीव चेष्टा कर देख टॉर्च नहीं कि संध्या बेले बेसी संध्या बेस दूर जीवनी पाखे घर पाखे भी कौन सी गोटे पात्र गोटे जगार अंधार कर जगह जस्ट लाइटटे पकेब पानी उपरे देख तुम से पानी लाइटटे रिफ्लेक्ट नहीं कि अलग डायरेक्शन रे जाऊ तर गोटे भि सेप्र सज आस जो डायरेक्शन पड़ो से डायरेक्शन रे जीव तेणु या कहते प्रतिफलन आ प्रतिसरण विषय में आम सब जिन रिफ्रैक्शन इंद्रधनु हो कहीं इंद्रधनु हो वर्षा है देखिए नहीं जी पश्चिम आकाश में सूर्य अच्छा वर्षा होश्चित छात उपर को पलि इंद्रधनु तुम मैंने निश्चित देखिपर है ओके आम या भलसे पढ़ा सप्तम अध्याय को आम जा सप्तम अध्याय अष्टम अध्याय नवम अध्याय ये तीन टा जिनस तुम अच्छे सप्तम अध्याय है तुम चक्षु सप्तम अध्याय सप्तम द्वित रिपीट हो जाए मानव चक्षु व वर्ण जगत आम जो प्रकार सब रंग बेरंगर जिनस देखु नहीं कि केवल आम भगवान दे आखिरे थ्रोर ही देखिपार जो ही आम देखिपार तेणु आखि जी ना आम कि देख गोटे अंध लोक के देखिपर ना हाँ कि नहीं तेणु तुम मैंने जानवा दरकार जी आखिर कौन कौन अच्छी सब आखि विषय डिटेल्स जाना दरकार अच्छा तुम मानक गोटे आई गोटे प्रश्न पचारि जे आखिरे जो आमर कहती डक्टर जहाँ आखि खराब हो डक्टर पाक जाए आखिरे से जंत्र आखिर मापते केत पावर अच्छे तार यूनिट कौन हाँ कि नहीं जनक जमीक गोटे वस्तुर ओजन सहित ओजन यूनिट कौन किलोग्राम दूरतार एकक कौन मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर हाँ कि नहीं सेमती चक्षुर जो पावर थाए चक्षुर जो शक्ति थाए जो मापते आम तार एकक कौन समस्त मत कमेंट सेक्शन में कह बहुत एक्साइटेड जो तुम मैंने मतलब एनसर कर जो मैंने एनसर करेंगे कल तक गोटे गोटे सरप्राइज थी हाँ कि नहीं आलि आम विषय आरंभ कर विल स्टार्ट एग्जाम अल्सो आम मझे मझे मुझे इंग्लीश कहूँ तो मुझे मजाक कराइबा तुमने बुझेबा तेणु इंग्लीश कहे किसी असुविधा नहीं तुमने प्राक्ट कर इंग्लीश कह बेले बेले कारण दस महीने तुम इंग्लीश अच्छी इलेवेन ट्वेल्व तुम इंग्लीश फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़व तेणु ये टर्म सहित ये जो विषय वस्तु टर्म सहित धीरे धीरे निजक एक्वेंटेड कर विद्युत को किए न जाने अष्टम अध्याय विद्युत को किए न जाने समस्त जानते घरे घरे आज आलुओ अच्छी तेणु विद्युत विषय में आम जानवा निहाती दरकार ना आम के इलेक्ट्रिक सक भी खाईपर आम इलेक्ट्रिक विषय जब भलसे जाना तेल इलेक्ट्रिक टू इलेक्ट्रिक को लेकिन आम कौन कौन सब कर विषय जापर ता संगे संगे इलेक्ट्रिक आम जीवन को केमीका आलोकमय कर नुआ नुआ जिनस को केमी उद्भावन में साय कर विषय भी आम जाना तेणु विद्युत विषय में बेस किसी कहबी नहीं कारण विद्युत विषय तुम्हें मत कह कौन कौन जान विद्युत विषय में मत यूट्यूब्रे कमेंट सेक्शन में भिड सरला मत कह अच्छा आम नवम अध्याय आसला कौन विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव बहुत ही इंटरेस्टिंग जिनस तुम घरे फैन थी ना कि फैन थी अच्छा देखे के भाच जी आम तो इलेक्ट्रिक दौ बल्ब जल्ला ठीक अच्छे फिलामेंट्रे जल्ला कि स्विच मारा बेलू से विद्युत फैन को केमी जलाऊ के भाच जी भाविना तेल भाव चिंता कर मत कह तार मूल रिजिन हूँ मूल पाठ हूँ तुमर विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव गोटे फैन भितर को आम समस्त शुणी फैन रयल पड़ जाइए घड़घड़ी मारा फैन रयल पड़गला हाँ कि नहीं कहीं कयल पड़गला कारण बहुत अत्यधिक मात्रा रे विद्युत प्रवाह क्या भितर गला से तार थ्रो से कयल पाखु गला तेणु विद्युत जो प्रवाह हुए तार चारिपटे गोटे चुंबकीय बलय सृष्टि हुए हाँ कि नहीं ये देख ये जो देख लाने जो करेन्ट जा जगह देख ये पाखाखे चुंबकीय बलय सब या तेणु तुम्हें फैन अन् कर फैन रे चुंबकीय बल जो से कंटिन्यूसली घूर चलती विद्युत स्रोत हूँ अल्टरनेटिंग करेन्ट गोटे पॉजिटिव भी जी गोटे नेगेटिव जी बढ़िया इंटरेस्टिंग वे तुम मानक पढ़ाई सब तार मानने एनिमेशन कर देखिए तुमको मन रखा बहुत जिन दरकार मैंने पड़े बुझीजी तुम मैंने आम आगे चलू ताक नहीं कि बढ़िया से वे मन रखी जीव है तेणु विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव विषय तुम मैंने सम्यक धारणा दल ये सब जिनस को जान लापर आम मैने निज जीवन में केमी विज्ञान को उपयोगिता
को आनीपरबू तो निज जीवन विज्ञान को कमी उपयोग करपरु से विषय में आम बहुत भलसे पढ़ा तेनाली चैप्टर आरंभ करवा कालीठू तेणु जो मैंने एत पर्यंत आम सहित जोड़ी ही नहांती से मानक सब रेकमेंड कर ट्यूशन रे आमर डेली लाइव क्लासेस हो हाँ कि नहीं आज जो मैंने यूट्यूशन आप्लिकेसन डाउनलोड करना आप्लिकेसन डाउनलोड कर दिंतु मोबाइल एंड्रॉइड आप्लिकेसन हाँ कि नहीं आ डाउनलोड कर सारापर आमको जो कौन सी असुविधा है मानक जनकर क्लास टीचर आम असाइन करदेवि जो मैंने आराम से बस टीचर सहित कथी जहाँ भी डाउट थी तो मैंने बुझीपार थैंक यू सो मच कल की पर्यटन मुझे असाइनमेंट देखिए से विषय में आउ थे भल्कि डिस्कसन करवा चैप्टर आरंभ करवा कौन चैप्टर आरंभ करवा प्रथम अध्याय फिजिकल साइंस रो प्रथम अध्याय आम आरंभ करवा सेटा हो जी कौन रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण तेणु काली पर्यंत पढ़ु थोड़ा काली पुणी देखा हो ओके बाय बाय थैंक यू सो मच।